हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम राजेश कुमार। टुडे आई विल टीच यू ईवीएस क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 4, एयर। स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मीन हवा एंड क्वेश्चन राइज हेयर, व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। बहुत सारी गैस है जो उनके मिश्रण को हम एयर कहते हैं। स्टूडेंट, आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आप लेते हैं, O2 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी गैस ही है जो कि हवा का एक पार्ट है। एक तो इस तरह एयर में बहुत सारी गैसेज मिली होती हैं जिससे आपकी एयर बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एवरीबॉडी नोज दैट नोबॉडी लिव विदाउट एयर। इफ द एयर इज विल नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ देन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। एयर यदि जमीन पे नहीं होती, पृथ्वी पे नहीं होती, तो कोई भी यहाँ पे जीवन की संभावना ही नहीं थी, जीवन होता ही नहीं। एयर इज एवरीवेयर। हवा जो है वो पृथ्वी पे सब जगह पाई जाती है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे पृथ्वी ना हो, वो हवा ना हो। यहाँ तक कि पानी में भी हवा होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। जीवित रहने के लिए सभी सजीव वस्तुओं को, लिविंग मीन सजीव, जिसमें जीवन होता है, सजीव, एयर की जरूरत होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख तो नहीं सकते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो आपके माउथ पे कुछ कोल्ड कोल्ड फीलिंग होता है, आपके जो हेयर हैं वो मूव करते हैं। तो इस तरह हम फील करते हैं, एयर को देख नहीं सकते। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा चलती है, हवा किसी भी डायरेक्शन में चले तो आप उसे विंड कहेंगे, पवन। विंड का अर्थ है पवन। यानी कि जब हवा बह रही है, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा को ही आप पवन कहते हैं। हवा ना चले तो वो पवन नहीं कहलाएगी, वो हवा ही रहेगी। जैसे वो बहना शुरू हो जाएगी तो पवन बन जाती है। विंड मेक्स थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ये पवन है, यही रीजन है हमारे कि जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाती हैं। स्पेशली जो सीड होते हैं प्लांट के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं थ्रू द विंड। हवा से ही, पवन से ही, जिसको आप पवन कहते हैं, बहती हुई हवा को ही आप पवन कहते हो।
आंसर इसका द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और यू कैन से ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। इसी के कारण बहुत सारी वस्तुएं चल फिर सकती हैं। एयर हैज वेट, एयर में वजन होता है, भार जिसको आप कहते हैं भार। इन द हायर क्लास यू विल स्टडी अबाउट द मैटर, मैटर मैटर जो है पदार्थ का नाम है, और हवा भी मैटर ही है, इसलिए इसमें भी वेट है। तो आप ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे मैटर के बारे में। यहाँ पे आप फिलहाल ये देखिए कि जो हवा है उसमें वेट होता है, भार होता है, लेकिन आप कैसे उसको प्रूव करेंगे कि एयर हैज वेट। तो सो लेट्स डू एक्टिविटी फर्स्ट। टेक टू डेफ्लेटेड फुटबॉल्स ऑफ सेम साइज, टेक टू डेफ्लेटेड फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज, एक ही आकार की दो हवा निकली हुई, डेफ्लेटेड होता है हवा रहित, जिसमें हवा ना हो, फुटबॉल में हवा निकाल दें तो आपको वो ऐसी लगेगी, ऐसी दिखाई देगी, पिचकी हुई हवा निकली हुई फुटबॉल और हवा भरी हुई फुटबॉल। दो फुटबॉल आपने ले ली जो कि दोनों ही डेफ्लेटेड हैं, यानी कि हवा रहित है। आफ्टर दैट फिल वन बॉल विद एयर, इसके बाद हम वन बॉल में हवा फिल करेंगे, इसमें एयर फिल कर दी हमने, और इसमें से हवा पहले ही निकली हुई है। तो देखिए आप दोनों का वेट देखिए, ये इसकी जो मेजरमेंट की जो नीडल है, सुई जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नीचे आई हुई है, और जैसे ये हवा भरी हुई फुटबॉल इसके ऊपर रखी, तो जो ये मेजरमेंट की जो नीडल है ये एकदम बिल्कुल बीच में आ गई सीध में, देखिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेटेड फुटबॉल्स एंड फील्ड फुटबॉल। सो दैट इज प्रूव दैट एयर हैज वेट, यदि हवा में भार नहीं होता, वजन नहीं होता, तो जो ये जो आपकी सुई यहाँ पे थी पहले खाली हवा रहित फुटबॉल रखने पे, ये एकदम उठ के यहाँ पे नहीं आती, और ये भी आप देखते हैं ये वेट है, जो ये ऊपर है ये नीचे है, जबकि यहाँ पे ये नीचे है और यहाँ पे ये ऊपर है। तो इसलिए इट्स प्रूव दैट एयर हैज वेट। अब नेक्स्ट है एयर कवर्स स्पेस, एयर कवर्स स्पेस, स्पेस मीन स्थान, कवर्स मीन घेरती है। अब जो हवा है उसमें वेट तो है ही, वो स्थान भी घेरती है, कैसे, हाउ टू प्रूव दैट एयर कवर स्पेस। लेट्स डू एक्टिविटी नंबर टू। वी टेक ए बलून, डिफ्लेटेड बलून, हवा से निकला हुआ एक आप बलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए, एंड व्हेन यू ब्लो इनटू ए बलून, जब भी उसमें आप फूंक मारेंगे, ब्लो मीन यहाँ पे फूंक मारना है, देखिए ये जो गर्ल है ये बलून को ब्लोइंग कर रही है, उसमें हवा भर रही है फूंक मार के, इट बिकम्स लार्ज, जैसे ही उसमें ब्लो हुई हवा, हवा हमने उसे फिल की माउथ के जरिए, तो वो लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द एयर ब्लोन बाय यू फील्स द स्पेस इनसाइड, जो आपने हवा भरी है बलून में
उसने स्थान घेरा है और वो गुब्बारा फैल के बड़ा हो गया है. इट प्रूव्स दैट एयर कवर्स स्पेस. तो वी हैव प्रूव्ड दैट एयर कवर्स स्पेस. देर आर टू एक्टिविटीज हैव डन. नंबर वन इज एयर इज वेट. नंबर वन इज एयर इज एयर हैज वेट. एंड नंबर सेकेंड इज एयर कवर्स स्पेस. वी हैव प्रूव्ड दैट एयर हैज वेट एंड एयर कवर्स स्पेस. लेट्स गो अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर. एयर इज नेसेसरी. नेसेसरी माने जरूरी. टू बर्न फायर. बर्न मीन जलाना. आग को जलाने के लिए. फायर मीन आग. आग को जलाने के लिए एयर जरूरी है. यदि एयर नहीं होगी तो आपकी आग नहीं जलेगी. इसको कैसे प्रूव करेंगे? हाउ विल इट प्रूव? टेक अ ग्लास टम्बलर एंड ए कैंडल. एक खाली गिलास लीजिए, लाइट द कैंडल और कैंडल को जलाइए. हमने कैंडल को जला दिया. तो देखिए, आपने खाली गिलास लिया और एक कैंडल ली. कैंडल को हमने बर्न किया, जला दिया. लाइट द कैंडल. इसको आप बर्न नहीं कहेंगे, लाइट द कहेंगे. लाइट द कैंडल. हमने कैंडल को जला दिया. नाउ पुट द इन्वर्टेड ग्लास. इन्वर्टेड होता उल्टा. इन्वर्टेड मीन उल्टा. पुट मीन रखना. नाउ पुट द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल. कैंडल के ऊपर ग्लास को उल्टा करके रख दिया. देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है आपका. ये कैंडल थी यहाँ पे. यहाँ पे ये कैंडल है ये, और इसके ऊपर ये हमने जो खाली ग्लास था वो इन्वर्टेड करके रख दिया, यानी कि उल्टा करके रख दिया. अब ये इस पे रख गया. थोड़ी देर में देखिए जो कैंडल है आपकी वो स्टॉप हो जाएगी बर्निंग आफ्टर सम टाइम. द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम. कुछ देर बाद कैंडल जलना बंद हो जाएगी. यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे स्मोक नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लो कम होगी और ये स्मोक आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि वो बुझ रही है. ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपन. हैपन माने होना, कुछ भी घटित होना. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज, क्योंकि द बर्निंग कैंडल यूजेज ऑल द एयर प्रेजेंट इनसाइड द टम्बलर. जब इसमें ग्लास में जो भी हवा थी वो सभी इस बर्निंग कैंडल ने यूज कर ली, और अंदर की जो एयर थी जो वो सब फिनिश्ड हो गई. और आफ्टर दैट द कैंडल स्टॉप द बर्निंग. ये स्टॉप हो गई, आगे जलना बंद हो गया. इट प्रूव्स. इससे साबित होता है. प्रूव्स माने साबित होना, सिद्ध होना, सिद्ध होना. इससे सिद्ध होता है दैट एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर, कि आग जलाने के लिए एयर की जरूरत है. तो आपका लेसन हैज बीन कंप्लीटेड. देर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर.
यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपके लेसन की समरी कह सकते हैं आप, तो आपको इनको याद रखना होगा। पॉइंट नंबर वन इज वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ओनली वी नहीं, कोई भी, नोबडी, कोई भी लिविंग जो बीइंग है इन द ऑन द ए ऑन द अर्थ कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हवा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए सभी सजीव वस्तुओं को एयर की जरूरत होती है। एयर हैज वेट। वी हैव प्रूव्ड दैट एयर हैज वेट एंड एयर कवर्ज स्पेस एंड एयर इज नेसेसरी टू बर्न लाइट फायर। एयर कवर्ज स्पेस। देर आर सम पॉइंट्स विच हैव यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। वॉट डज द फॉलोइंग पिक्चर शो। देखिए यहां पे देर आर थ्री पिक्चर एज गिवन एंड ऑल द थ्री पिक्चर्स व्हाट डज द फॉलोइंग शो। ए नंबर वन है ये जो आपकी फुटबॉल इस पे फील्ड फुटबॉल हैज पुट ऑन द वेव मशीन विच फील्ड बाय द एयर। एक फुटबॉल इस वेइंग मशीन पे वेट मशीन पे रखी है जो कि हवा से भरी हुई है और ये वेट इसका दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि एयर हैज वेट, कि एयर में वेट होता है। सेकंड, ये जो बॉय है ये बलून को ब्लोइंग कर रहा है, फुला रहा है उसको, उसमें हवा भर रहा है। और ये इसका जो आकार है, पहले जो ये गुब्बारा इतना छोटा सा था, अब वो फैल के इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग दैट एयर कवर्स स्पेस, कि एयर स्थान घेरती है। एंड नेक्स्ट इज जो ये कैंडल के ऊपर जो जग उल्टा करके रखा है, इन्वर्टेड जग पुट ऑन द कैंडल, बर्निंग कैंडल, देन आफ्टर सम टाइम कैंडल इज स्टॉप टू फॉर बर्निंग। ये जलना बंद हो गई। देखिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? हेयर इज शोइंग दैट एयर इज नेसेसरी टू बर्न फायर, क्योंकि आग जलाने के लिए हवा जरूरी है। नो मोर, आपको और थोड़ी जानकारी दे देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। द ओजोन लेयर इज ए लेयर इन अर्थ एटमोस्फियर। जो आपकी अर्थ है, देखिए देर आर द पिक्चर ऑफ अर्थ, ये आपकी अर्थ है और इसके चारों ओर आपका ये एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर जो आपका है वो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर है, ये एटमोस्फियर है। तो इस एटमॉस्फेयर में आपकी लगभग 80 किलोमीटर ऊपर, जैसे हम पृथ्वी से स्पेस में जाएंगे, अबाउट 80 किलोमीटर हाइट ए लेयर इज फाइन विच नेम इज ओजोन लेयर एंड दिस लेयर प्रिवेंट द हार्मफुल सन रेज। और जो ये ओजोन लेयर है जो यहाँ पे पाई जाती है चारों तरफ, अबाउट 80 किलोमीटर इन द हाइट, ये ओजोन लेयर हमारे को प्रिवेंट करती है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है जो अल्ट्रा वायलेट वायलेट रेज आती हैं, जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, जो ये बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, जो यदि सीधी जमीन पे आ जाएं
तो सब कुछ जल के नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि आपकी जो स्किन है बॉडी की वो भी आपकी एकदम कुछ वर्ष में कुछ महीनों में जल सकती है। तो देर इज हार्मफुल रेस एंड ओजोन लेयर इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। हेयर इज द फन टाइम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स। देर आर टू पिक्चर हैज बीन गिवन एंड यू विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ पिक्चर्स। दिस एक्टिविटी इज फॉर यू, ये आपको करनी है। इसमें डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बोथ पिक्चर्स, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आप बताएंगे। और जब भी स्कूल खुलेगा अपने टीचर को बताना है, घर पे अपने मम्मी पापा को बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयलिंग हो रहा है, वाटर है जो बॉयलिंग हो रहा है और उसमें से जो स्टीम है वो आपकी ऊपर जा रही है। और एक तो ये डिफरेंस हो गया, एंड सेकंड इज जो जो यहाँ पे जो गिलास है वन है, यहाँ पे टू है, तो देर इज द सम डिफरेंस। मोर डिफरेंस यू विल हैव टू फाइंड आउट। ओके तो बेटे ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपके मैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जिसको आपने अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में राइट करना है। और अपनी जो आपकी नोटबुक है आप उस पर कवर भी करेंगे, अपनी नोटबुक पे कवर भी करेंगे। ये आपकी नोटबुक है, इस पर आप अपनी इस पर कवर करेंगे, जिल चढ़ाएंगे इस पर, और यहाँ पे अपना एक स्टिकर भी लगाएंगे जिस पे आपके नेम क्लास सब्जेक्ट वगैरह लिखा होगा। जिसकी भी नोटबुक अच्छी मिलेगी हम उसको रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। जब भी स्कूल ओपन होगा रीओपन होगा, तो तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस टाइम।